बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मर्दाना ताकत के लिए ख़ास तरीका बताऊँगी। इस तरीके से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो आपके गुर्दों पर इसका कोई बुरा असर पड़ेगा और ना ही आपके जिगर पर। वरना अक्सर मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाले नुस्खों से जहां फ़ायदा हासिल होता है, वहां इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, मगर मेरा यह तरीका बहुत महफूज और फ़ायदेमंद है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। इस तरीके के लिए आपने एक पाव दही लेना है, आधी चम्मच इसबगोल के छिलके की और आधी चम्मच सफ़ेद मूसली की। सफ़ेद मूसली आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। मैंने मूसली को बारीक किया हुआ है। साबुत सफ़ेद मूसली की शक्ल आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये देखने में सफ़ेद और खाने में कुछ लेसदार होती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा सादा और आसान है। आपने एक पाव दही के अंदर आधी चम्मच इसबगोल के छिलके की डालनी है, फिर आधी चम्मच सफ़ेद मूसली की डाल दें। आप चम्मच के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं। इसके बाद इस दही को 5 मिनट के लिए रख दें। इससे दही काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। इसबगोल और सफ़ेद मूसली की वजह से ये दही मर्दाना सलाहियत और मर्दाना ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने रोज़ाना सुबह के वक़्त नाश्ते के साथ इस दही को खाना है। सिर्फ एक हफ़्ता आप इस दही के साथ नाश्ता कर लें, इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद ये दही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मर्दाना ताकत और सलाहियत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ अब मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।